मैं एक दफा फिर मौजूद अदालत का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो की जा रही थी इसके आज खिलाफ फैसला दिया। मैं इमरान खान के साथ किसी वजह से आया था, कॉज के साथ आया था, हुकूमत करने के लिए नहीं आया था, इमरान खान के साथ खड़ा था, अभी इस वक्त भी खड़ा हूँ। तो मुश्किल और अच्छा वक्त, मुझे नहीं पता अल्लाह ने क्या लिखा हुआ है, वतुइज्जु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह ने इज्जत देनी है, अल्लाह ने जिल्लत देनी है, पता नहीं अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में क्या लिखा है, जो लिखा है कबूल करूंगा, लेकिन एक वादा है, इख्तियार अल्लाह के पास है, वो मेरे इख्तियार में एक चीज है कि मेरे खून में वफादारी है, इंशाल्लाह डट के इमरान खान के साथ खड़ा था, इंशाल्लाह डट के इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, और अल्लाह से तौफीक है कि अल्लाह उस दिन मुझे जिंदगी ना दे जिस दिन मैं अपने मुल्क के साथ बेवफाई करूँ, अपनी आवाम के साथ बेवफाई करूँ, और इन चोरों की तरह झूठ बोलूँ और जाके किसी बैरूनी साजिश का मैं हिस्सा बनूँ। हमें पता है आपने गलत काम किया है, हमें पता है आपने आइन शिकनी की है, हमें पता है आपने अमरीकी साजिश के ऊपर इमरान खान की हुकूमत को, बहुत सारे लोगों ने मिलके इस हुकूमत का तख्ता उल्टा है और एक ऐसे चोर और फ्राडियों को लाके बिठाया जो नीचे और ऊपर 40 अरब की करप्शन के जिनके ऊपर उनके ऊपर इंक्वायरी चल रही है, इनके अकाउंटों से 16-16 इनके मुलाजमीन के अकाउंटों से 16-16 अरब रुपया निकलता है, ये जो ऊपर मकसूद चपरासी के पार्टनर बैठे हुए हैं क्राइम मिनिस्टर बन के, मकसूद चपरासी के अकाउंट से 4 अरब रुपया निकला है। आपने इमरान खान को भेजना ही था आकाओं के कहने पे, तो आपने इस चपरासी के पार्टनर को लाके बनाना था, किसी और को बना लेते, तो जो इस कौम के साथ किया गया, अब उसकी कितनी भी तावीलें दी जाएं, उसकी कितनी भी एक्सप्लेनेशन दी जाएं, उसके बारे में कितनी भी बातें की जाएं, आवाम सब जानती है, 5 मिनट के लिए किसी का गुस्सा ठंडा किया जा सकता है, 5 मिनट के लिए किसी को एक्सप्लेन करने का किया जा सकता है कि ये इमरान खान के साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म में हिस्ट्री याद रखेगी किस किस ने मुल्क की पीठ में छुरा घोंपा, किस किस ने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा, किस किस ने इस अवाम की पीठ में छुरा घोंपा, किस किस ने ये साजिश रचाई, किस किस ने इस साजिश में मदद की, किस किस ने ये साजिश इम्प्लीमेंट की, और इस इम्प्लीमेंटेशन के साथ एक इलेक्टेड हुकूमत को घर भेजा गया और आपके सामने हुआ कि इस मुल्क में ये जो लोग थे जिनके खिलाफ जिनकी जमानतें और फर्दे जुर्म के ऊपर महीनों फैसले नहीं हुए, उनको घंटों में फैसले मिले, बल्कि मिनटों में फैसले मिले, ये सब कुछ इस अवाम ने देखा है, कुछ छुपा हुआ नहीं है, किसी का किरदार छुपा हुआ नहीं है। मैं सिर्फ आपसे गुजारिश करूंगा कि अब अल्लाह सुबहान तआला से ये दरख्वास्त करें हम सारे कि जिसने भी गलती की है आखिर पर तो ये वतन अजीज हम सबका है, अल्लाह मियाँ हमारे मुल्क को इंतशार से बचाए, अल्लाह मियाँ हमारे मुल्क को जो है वो हर तरह का जो कोई नुकसान है उससे बचाए और इसके लिए फायदा लेके आए, इसके लिए खैर लेके आए, क्योंकि ये आम पाकिस्तानी का कसूर नहीं है जो कुछ यहाँ होगा, आम पाकिस्तानी इसके साथ नहीं खड़ा, वो भले पेशावर का जलसा हो, वो भले आप जाके इस्लामाबाद का जलसा देखें या कराची का, तो जहां भी आप देखेंगे अवाम ने तो बता दिया वो किधर खड़े हैं, अवाम अमरीकी साजिश के साथ नहीं खड़े, अवाम ना साजिश के साथ खड़े ना मदाखलत के साथ खड़े हैं, अवाम को पता है कि साजिश होती है मदाखलत करने के लिए, जब मदाखलत हुई है तो पीछे साजिश हुई थी ना, साजिश के बगैर मदाखलत कैसे हो सकती है, तो अवाम को बड़ा वाजे पता है कि ये सब कुछ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किस किस ने किया है। मैं एक दफा फिर मौजूद अदालत का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो की जा रही थी इसके आज खिलाफ फैसला दिया। मैं इमरान खान के साथ किसी वजह से आया था, कॉज के साथ आया था, हुकूमत करने के लिए नहीं आया था, इमरान खान के साथ खड़ा था, अभी इस वक्त भी खड़ा हूँ, अभी आपने किसी और लिस्ट में नाम डालना प्लीज डाल लें ताकि आपको पता चले, जाऊंगा भी कभी कभी, अगर उमरा करने भी जाऊंगा तो आपको पहले बता के जाऊंगा ताकि आप लिस्टों में नाम डाल लें, अगर नहीं जाने दे रहा तो रात के अंधेरे में छुप के नहीं जाऊंगा, आपको बता के जाऊंगा। तो मुश्किल और अच्छा वक्त, मुझे नहीं पता अल्लाह ने क्या लिखा हुआ है, वतुइज्जु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह ने इज्जत देनी है, अल्लाह ने जिल्लत देनी है, पता नहीं अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में क्या लिखा है, जो लिखा है कबूल करूंगा, लेकिन एक वादा है, इख्तियार अल्लाह के पास है, वो मेरे इख्तियार में एक चीज है कि मेरे खून में वफादारी है, इंशाल्लाह डट के इमरान खान के साथ खड़ा था, इंशाल्लाह डट के इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, और अल्लाह से तौफीक है कि अल्लाह उस दिन मुझे जिंदगी ना दे जिस दिन मैं अपने मुल्क के साथ बेवफाई करूं,
अपनी आवाम के साथ बेवफाई करूं और इन चोरों की तरह झूठ बोलूं और जाके किसी बैरूनी साजिश का मैं हिस्सा बनूं। आप सबका बहुत शुक्रिया।